बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। धर्मलाल कौशिक ने बताया कि सरकार धान खरीदी में लेट लतीफी कर रही है, जिसे लेकर बीजेपी 15 नवंबर को मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी। भूपेश बघेल सरकार जहां धान के मुद्दे पर केंद्र और बीजेपी को घेरने में लगी है, वहीं बीजेपी ने धान खरीद में देरी को लेकर 15 नवंबर को प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि कांग्रेस के कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। इन्होंने घोषणा पत्र में कई वादे किए थे, पर जब पूरा करने की बात आई तो ये पलट गए। 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होती थी और ज़्यादा से ज़्यादा 15 नवंबर को खरीदी हो जाती थी, किंतु इस सरकार के द्वारा 1 दिसंबर से जो खरीदी की व्यवस्था जो प्रारंभ कर रही है, ये किसानों के लिए बहुत ही तकलीफ स्थिति है। धान की कटाई प्रारंभ हो गई है, 1 महीना तक किसान की क्षमता नहीं है कि उसको रख सके, खास करके हमारे जो लघु किसान हैं, सीमांत किसान हैं, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार 15 नवंबर से खरीदी की व्यवस्था प्रारंभ करे, किंतु सरकार के हठधर्मिता है कि 1 दिसंबर और इसी शोषण से बचाने के लिए 15 नवंबर को पूरे मंडल स्तर पर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा धरना दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति के साथ होने वाली सीएम बघेल की मुलाकात रद्द हो गई है। अब सीएम दिल्ली दौरे पर केंद्रीय खाद्य और कृषि मंत्री से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र आया है इस मामले में। उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश से बाहर है, इसलिए किसी मंत्री के साथ बैठक हो। धान खरीदी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं, जहां कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भेदभाव कर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है। अब एक बार फिर प्रदेश की राजनीति किसानों के मुद्दों पर सिमट कर रह गई है और दोनों पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेंकने में लगी हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।